उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो वाइल्ड लाइफ लवर्स के साथ नेचर लवर्स के लिए भी एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। रोमांच के साथ साथ जोश और उत्साह का अनुभव अगर दोस्तों आप करना चाहते हो और प्रकृति की खूबसूरती से भरी इस क्षेत्र में एक रोमांचक छुट्टी अगर दोस्तों आप बिताना चाहते हो तो पहुंच जाइए दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल यशस्वी ब्लॉगर। और मैं अपने फैमिली के साथ लास्ट वीक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल और बिनसर वैली के लिए घूमने गई थी। तो दोस्तों, आपने मेरे क्या वो ट्रैवलिंग के सारे वाले ब्लॉग्स देखे हैं क्या? अगर देखे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताना कि आपको मेरे ट्रैवलिंग के ब्लॉग कैसे लगे। और आपने अगर नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस सारे वीडियो के आपके साथ मैं लिंक शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, मैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कैसे गई थी, वहां पे कितना मेरा खर्चा हो गया, वहां पे मैं कहाँ पे रही और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाने के लिए कौन सी ट्रेन या फिर बाय रोड बाय एयर कैसे जाते हैं और वहां के आजू बाजू के प्लेसेस घूमने के लिए मतलब कौन से प्लेसेस है वहां के आजू बाजू के प्लेसेस और कब से कब तक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन से सीजन में खुला रहता है, इस सबकी जानकारी आपको इस वीडियो में दोस्तों मिल जाएगी। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना वर्ष 1936 में की गई थी। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ साथ यह उद्यान भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व भी है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के समय इसका नाम हैले नेशनल पार्क था, जिसे बाद वर्ष में 1954 और 1955 में बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। लेकिन मात्र एक वर्ष के अंतराल यानी कि 1955 और 1956 में इस राष्ट्रीय उद्यान का दोबारा से नाम बदलकर उस समय के प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी और फोटोग्राफर जिम कॉर्बेट के नाम पर इस उद्यान का नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 520 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान के वन क्षेत्र में पहाड़, नदी, दलदल, विशाल घास के मैदान और एक बड़ी झील शामिल है। यहाँ पर स्थित पहाड़ों की ऊंचाई 400 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक जाती है। इस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों के अलावा वनस्पतिक विभिन्नता भी देखने को मिलती है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का 73% का हिस्सा घने जंगलों में घिरा हुआ है और इसके 10% हिस्से में विशाल घास के मैदान बने हुए हैं। बाकी के हिस्से में नदी और दलदल वाला क्षेत्र आता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाय एयर बाय रोड एंड बाय ट्रेन कैसे पहुंचे? कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे जो नज़दीकी एयरपोर्ट है वो है देहरादून का जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट। देहरादून के जॉली ग्रैंड हवाई अड्डे से जिम कॉर्बेट का डिस्टेंस है 167 किलोमीटर। देहरादून से दोस्तों आपको वहां से टैक्सी भी बड़ी आसानी से मिल सकती है और देहरादून एयरपोर्ट भारत के सभी प्रमुख एयरपोर्ट से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा दिल्ली से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी जिम कॉर्बेट आप पहुंच सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से जिम कॉर्बेट का डिस्टेंस है 230 किलोमीटर और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व के सभी एयरपोर्ट से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और दिल्ली से आपको रामनगर जिम कॉर्बेट के लिए टैक्सी भी नियमित रूप से उपलब्ध हो सकती है। के लिए और आसपास के शहरों के साथ सड़कों के लिए एक विस्तृत नेटवर्क से अच्छे से जुड़ा हुआ है। रोडवेज पर्यटकों के लिए जिम कॉर्बेट यात्रा करने के लिए एक सबसे पसंदीदा विकल्पों में से एक है।
कॉर्बेट पहुंचने के लिए सबसे सुविधाजनक तरीका है दिल्ली से सड़क मार्ग है, और दोस्तों इसका लगभग डिस्टेंस 245 किलोमीटर का है। तो अगर आप 245 किलोमीटर की यात्रा में सड़कों के मार्ग से लगभग 6 से 8 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। जिम कॉर्बेट को ट्रेन से पहुंचना काफ़ी आसान है। असल इस पार्क के बेहद करीब है रामनगर शहर। रामनगर स्थित रेलवे स्टेशन भारत के विभिन्न प्रमुख शहरों में से जैसे कि दिल्ली, मुरादाबाद और बरेली से जुड़ा हुआ है, जहां इस शहर में ट्रेन आती है। रामनगर के लिए सीधी ट्रेन दिल्ली से चलती है। तो दोस्तों आप रानीखेत एक्सप्रेस, कॉर्बेट लिंक एक्सप्रेस और काठकोडम एक्सप्रेस भी देख सकते हैं, जो आपको सीधा रामनगर ले जाएगी। और दोस्तों इसके लिए आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने का सबसे अच्छा समय। यदि आप दोस्तों प्रकृति की खूबसूरती भरे इस क्षेत्र में एक रोमांचकारी छुट्टी अगर बिताने की योजना कर रहे हो, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने का अच्छा समय है नवंबर से फरवरी का महीना। मानसून के मौसम में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए बंद किया जाता है, लेकिन अगर आप दोस्तों मानसून के मौसम में अगर यह उद्यान देखना चाहते हो, तो इस राष्ट्रीय उद्यान के झिरना और ढेला जोन के गेट से आप यहां पर वाइल्ड लाइफ सफारी का आनंद ले सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे बेस्ट जोन कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का कोर जोन कुल 5 भागों में बांटा गया है और एक बफर जोन भी है। आप यूं भी कह सकते हैं कि इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करने के लिए 5 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, जिनमें अलग अलग स्थानों से आप प्रवेश कर सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बने हुए 5 जोनों को डिकाला जोन, पिजरानी जोन, झिरना जोन, ढेला जोन और दुर्गा देवी जोन के नाम से जाना जाता है। यह सभी जोन इस राष्ट्रीय उद्यान के कोर जोन का हिस्सा माने जाते हैं। इसके अलावा सीताबनी वन क्षेत्र इस राष्ट्रीय उद्यान का बफर जोन माना जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं डिकाला जोन के बारे में, जिसका प्रवेश द्वार है धनगढ़ी गेट। रामनगर से इसका डिस्टेंस है 32 किलोमीटर। सफारी का समय है सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम का समय है 2 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। सफारी का ओपन पीरियड है 15 नवंबर से लेकर 15 जून तक। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का डिकाला जोन इस उद्यान का सबसे ज़्यादा देखने वाला क्षेत्र में से एक है। आप इस जोन में दिन में भी सफारी करने का अलावा यहां पर वन विभाग के द्वारा बनाए गए विश्राम गृहों में रात के समय भी रुक सकते हैं। उद्यान के इस हिस्से में वाघ दिखाई देने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। वाघ के अलावा आपको इस जोन में जंगली हाथी, जंगली सुअर, चित्तीदार हिरण, हॉक हिरण और भौंकने वाले हिरण प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। और दोस्तों सबसे जरूरी बात यह है कि डिकाला फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में रात में ठहरने के लिए भारतीय और 7 देशों के आगंतुकों को डिकाला फॉरेस्ट लॉज में 46 दिन पहले और विदेशियों को 91 डेज पहले आवास बुक करना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप डिकाला फॉरेस्ट लॉज नहीं गए तो भारत की वन्य जीव यात्रा अधूरी है। इसलिए यदि आप एक शानदार छुट्टी बिताने का सपना देख रहे और इसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो डिकाला जोन जरूर जाइए। बात करते हैं बिजरानी जोन की, जिसका प्रवेश द्वार है अमदंडा गेट रामनगर से। इसका डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। सफारी का ओपन पीरियड है 15 अक्टूबर से लेकर 30 जून तक। डिकाला जोन की तरह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी जोन भी पर्यटकों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। डिकाला जोन के बाद सबसे ज़्यादा पर्यटक इसी जोन में यह वन्यजीव अभयारण्य देखने के लिए आते हैं। इस जोन में प्राकृतिक दृश्यों के अलावा बंगाल टाइगर देखे जाने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। अन्य वन्यजीवों के अलावा आपको वाघ दिखाई देने की संभावना भी बनी रहती है। इस वजह से वाघ दिखाई देने के मामले में इस उद्यान के सबसे अच्छे जोन में से इस जोन को, बिजरानी जोन को, सबसे एक अच्छा माना जाता है। यदि आप अगर चाहते हो तो आप ऑनलाइन भी बिजरानी जोन के लिए सफारी, जिप सफारी बुक कर सकते हैं।
तीसरा जोन है जिरना जोन, जिसका प्रवेश द्वार है ढीला गेट और रामनगर से इसका डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। सफारी ओपन पीरियड है पूरे वर्ष और मौसम की स्थिति पर भी निर्भर है। जिरना जोन जिप कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिणी भाग में स्थित है। जिरना जोन को वर्ष 1994 में टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में शामिल किया गया था, लेकिन कुछ ही वर्षों में उद्यान का यह हिस्सा पर्यटकों के लिए बेहद प्रसिद्ध हो गया। इसका मुख्य कारण है कि पर्यटकों के लिए ये राष्ट्रीय उद्यान का यह हिस्सा पूरे साल खुले रहता है। जीप सफारी के लिए पर्यटकों के साथ गाइड होना अनिवार्य है, नहीं तो उद्यान में सफारी की अनुमति नहीं मिलती है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी जिरना जोन के लिए सफारी बुक करवा सकते हैं। बात करते हैं ढेला जोन की, जिसका प्रवेश द्वार है ढेला गेट, रामनगर से डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। सफारी का ओपन टाइम है पूरे वर्ष, लेकिन मौसम की स्थिति के अधीन पर। ढेला जोन के अभी कुछ वर्ष पहले ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जोड़ा गया है। वर्ष 2014 में ढेला जोन को जिम कॉर्बेट आम वाले पर्यटकों के लिए जोड़ा गया था। जिरना जोन के अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ढेला जोन भी एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरे साल आम पर्यटकों के लिए खुला रहता है। जिम कॉर्बेट का यह जोन विशेष तौर पर बर्ड वॉचिंग के लिए सबसे बढ़िया क्षेत्र माना जाता है। ढेला जोन में भी सफारी की सुविधा उपलब्ध है। इस जोन में जाने के लिए आपके पास सफारी परमिट के अलावा एक जिप और गाइड भी करना पड़ेगा। इन दोनों के बिना आपको इस उद्यान में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है। आखिरी जोन है दुर्गा देवी जोन, जिसका प्रवेश द्वार है दुर्गा देवी गेट, रामनगर से इसका डिस्टेंस है 28 किलोमीटर। सफारी का ओपन टाइम है 15 नवंबर से लेकर 15 जून। बर्ड वॉचर्स के लिए दुर्गा देवी जोन किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बर्ड वॉचर्स के लिए दुर्गा देवी जोन ये सबसे बेस्ट जोन माना जाता है। कैसे बुक करें डिकाला जोन? डिकाला जोन बुकिंग ऑनलाइन में ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए आपको उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट www.corbettonline.uk.gov.in पर लॉगिन करना होगा। इससे कई सारी ट्रैवल कंपनियां भी बुकिंग की सुविधा देती है, आप वहां से भी बुक कर सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उद्यान में प्रवेश से पहले उद्यान से जुड़े नियमों के बारे में पूरी जानकारी जरूर लें। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में यात्रा, सफारी और ऑनलाइन बुकिंग से जुड़ी और अधिक जानकारी लिए उद्यान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। कॉर्बेट नेशनल पार्क की एंट्री फी फॉर इंडियन टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट के लिए और फोटोग्राफी के लिए क्या है, उसकी भी पूरी जानकारी आपको वेबसाइट पर दी गई है। आप एक बार में सिर्फ एक ही गेट से उद्यान में प्रवेश कर सकते हैं। बाकी के सभी गेट से प्रवेश करने के लिए अलग अलग प्रवेश शुल्क देना होगा। प्रवेश शुल्क के अलावा जीप सफारी, एलिफेंट सफारी और कैंटर सफारी के लिए भी अलग से शुल्क देना होगा। किसी भी जोन में सफारी पर जाने से पहले एक बार सफारी के समय के बारे में जरूर पता कर ले। सफारी के समय में स्थानिक प्रशासन के द्वारा कभी भी बदलाव किया जा सकता है। सफारी के समय पर मौसम के हिसाब से भी बदलाव संभव है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कहाँ ठहरे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान में से एक माना जाता है।
इस उद्यान में वन विभाग के द्वारा बनाए गए वन विश्राम गृहों में आप बड़े आराम से रुक सकते हैं। इसके अलावा आप इस उद्यान के आसपास बने हुए कई रिसोर्ट और होटल्स में भी ऑनलाइन बुकिंग की वेबसाइट की सहायता से रुक सकते हैं। यहाँ पर बने हुए रिसोर्ट और होटल्स भी आपको ऑनलाइन रूम और पार्क में सफारी की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों, आपको सफारी की ऑनलाइन बुकिंग पार्कों ऑफिशियल वेबसाइट से ही करनी चाहिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क ना देना पड़े। तो दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के कुछ जोन को छोड़कर आप पूरे साल कभी भी इस उद्यान को देखने के लिए जा सकते हैं। मानसून के मौसम में इस उद्यान में जाने से बचें, क्योंकि इस समय उद्यान का अधिकांश हिस्सा पर्यटकों के लिए बंद रहता है और किसी भी प्रकार के बड़े जानवर के दिखाई देने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। मानसून के बाद आप इस उद्यान में घूमने के लिए जा सकते हैं। बाकी सर्दियों का मौसम इस राष्ट्रीय उद्यान में घूमने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ मैं कि आपको मेरा आज का वीडियो, जिम कॉर्बेट का वीडियो, अच्छा लगा हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल यशस्वीन ब्लॉगर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अपने माता पिता, पर्यावरण और एनिमल्स का ज़रूर ख्याल रखना। जय जवान, जय किसान। बाय बाय दोस्तों।